Assalamu alaikum, dear students. This is Tanvi Ramat, teacher at BHSS Yunsu. Today, I am going to deliver a lecture for class 10, subject to history. And our topic is बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा आगे आइए और ये टॉपिक आप दिखा दीजिए प्लीज तो हमारा टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और प्रोटो इंडस्ट्रियाजेशन सनती इनकलाब से पहले सनती इनकाल से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ये पिछले लेक्चर के बारे में रिकेप करूं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मीनिंग क्या होती है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मीनिंग है जब इंसान की जगह मशीनें ले ले जब एक इंसान की जगह कोई मशीन ले ली यानी कि अगर इंसान स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स तैयार करता है यानी कम मेदार में प्रोडक्ट्स तैयार करता है हाथों से और उसी जगह पे वही प्रोडक्ट्स मशीन फिर तैयार करते हैं ज्यादा मकदार में तो इसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं तो आज हमारा टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन सनती इंकिलाब से पहले सन्नती इनकलाब से पहले यानी कि अगर लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती थी तो वो जरूरतें कैसी पूरी हुआ कर दी थी या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसको कहते हैं देखो बिफोर यहाँ पे दिखा दीजिए पॉइंट बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सनती से पहले जो सनती इंकलाब अठारह से ईस्वी में शुरू हुआ 18वीं सदी में शुरू डियर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंटरनेशनल मार्केट यानी बाइनल अक्वामी बाजार में बहुत ज्यादा مقدار में चीजें मुहैया थी तो फिर ये चीजें कौन बनाता था यहां पे सवाल है इसी सवाल का जवाब इस पॉइंट में है देखिए मार्केट इन यूरोप दिस प्रोडक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज यानी ये जो प्रोडक्शन थी ये फैक्ट्रीज पे बेस्ड नहीं थी यानी yani, ये जो चीजें थी इन चीजों को फैक्ट्रीज नहीं बनाया करती थी तो so, फिर कौन बनाया करता था इन चीजों को कौन बनाता था दीज थिंग्स वोड्यूसड बाई मर्चेंट्स यहां पे इसका जवाब है तो so, ये चीजें किस कौन बनाता था ये चीजें मर्चेंट्स बनाया करते थे ताजर लोग बनाया करते थे वो दूसरी बात है चाहे वो खुद बनाते थे या मजदूरों से बनवाया करते थे वो दूसरी बात है मगर ये चीजें ये स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स जो थे वो ताजर लोग बनाया करते थिंग्स बाय एज दिस फेज इसी फेज को इसी दौर को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर कहते हैं तो आपने ये समझ लिया होगा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन बिफोर इंडस्ट्रलाइजेशन सनती इनकलाब से पहले जो कोई भी चीज बना, बना बनी बना करती थी तो उसको बुनी नवा इंसान ही बनाता था अपने हाथों से बनाता था इंडस्ट्रीज उसमें इंडस्ट्रीज का कोई अमल दखल अमल नहीं था तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ये दिखा दीजिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज द मर्चेंट प्रोड्यूसड स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स जो मर्चेंट्स थे ताजर लोग थे वो स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स बनाया करते थे कम मेदार में प्रोडक्ट्स बनाया करते थे हाथ से तो कम ही बनते हैं तो यहां पे और एक पॉइंट है प्रोटो इंडस्ट्राइजेशन मीन फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मायने हो गए फर्स्ट यानी पहला या early, पहला फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनती इनकलाब का पहला जो दौर था जब सनती इनकलाब रोनमा होने लगा था आहिस्ता आहिस्ता से होने लगा था उससे पहले फेज को उससे आगे वाले फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज कहते हैं या बिफोर इंडस्ट्रियल भी इसका इस इसका इस टॉपिक टौ, को हम ये दे सकते हैं सनती इनकलाब से पहले अगर यानी यहाँ पे मैं थोड़ा रिकेप करूं कि सनती इनकलाब से पहले अगर लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़ती पार, थी वो चीज आती कहां से थी तब ता, तब ये सनती इनकलाब नहीं था तब की तब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो इन्हीं चीजों को यही जरूरतों को पूरा करने के लिए मर्चेंट्स यानी ताजर लोग जो थे वो चाहे वो खुद बनाते थे या वैसे वो मजदूर लोगों को हायर करते थे मजदूर लोगों को मुआवजा देकर ये चीजें बनवाते थे तो इसी फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज कहा जाता